तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं विदाउट रूट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई मीडियाटेक स्नैपड्रैगन का डिवाइस है दोस्तों, उसमें अगर आप अल्ट्रा हाई लेवल की गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में दोस्तों पूरा मेथड बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने किसी भी स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते। तो बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बना के सी देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट से वो स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेनी है, देन प्ले स्टोर में चले आना दोस्तों। प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है जेड आर्चीवर। जी हां दोस्तों, जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल के रूप में कन्वर्ट है। तो जिप फाइल को दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों जेड आर्चीवर। इस एप्लीकेशन को आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको चले आना है अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पर। डाउनलोड वाले फोल्डर पर आने के बाद दोस्तों यहां पर से आप उस फाइल को करा सकते हैं लोकेट। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो फाइल है वो यहां पर से हमको देखने को मिल चुकी है। इसको सिंपली से आपको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको एक एपीके फाइल देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर से जैसे आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको एक अलग सी एपीके फाइल देखने को मिलेगी। वो एपीके फाइल दोस्तों आपको rootify.apk के नाम से देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यहां पर से नीचे स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद वो जो rootify एपीके दोस्तों उसको सिंपली से आपको क्लिक करके इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, रूटीफाई एप्लीकेशन को आपको कर देना है डिवाइस में इंस्टॉल। जैसे दोस्तों इंस्टॉल कंप्लीट होगा आप देख सकते हैं वो आइकॉन दोस्तों हमारे को देखने को मिल चुका है रूटीफाई का। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों। इसको मैं ला लेता हूँ होम स्क्रीन पर। देन दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको कर लेना है अपने डिवाइस में ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्लियर रैम कर देना है। क्लियर रैम करने के बाद आपकी रैम क्लियर हो जाएगी। देन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा डीप क्लीनिंग। जी हाँ दोस्तों, डीप क्लीन कर देना है। देन क्लियर कैचे करना है। देन लैग फिक्स पे क्लिक कर देना दोस्तों। लैग फिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपके बड़ा इसको रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर इससे आप रीस्टार्ट करते तो आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, अदरवाइज दोस्तों नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों अगेन थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोड वन मोड टू। तो यहाँ पर से आपको मोड टू पे सेलेक्ट करा देना है। देन दोस्तों क्लियर जीरो रैम आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसको क्लिक कर देना। देन क्लियर ट्रेसी फाइल नो मीडिया फाइल। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों चारों पांचों ऑप्शन को आपको सिंपली से क्लिक करते जाना। देन दोस्तों आपके डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो जो फाइल्स हैं दोस्तों अननेसेसरी फाइल टेम्प्रेरी फाइल है दोस्तों वो यहाँ पर से क्लीन हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको सीपीयू वाले ऑप्शन पे चले आना है। सीपीयू वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों मैक्स फ्रीक्वेंसी आपको 1700 पे क्लिक करनी है। देन दोस्तों मिनिमम को भी आपको 1700 Hz पे यहाँ पर क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो आठों सीपीयू है दोस्तों वो रनिंग स्टेट में दिखनी चाहिए। अगर रनिंग स्टेट में नहीं है तो आप क्लिक करके इसको रनिंग स्टेट में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे आपका डिवाइस का जो भी प्रोसेसर का कोर है दोस्तों वो यहाँ पर रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आठों को यहाँ पर से आपको रनिंग स्टेट में रखनी है। देन दोस्तों आप अपने डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको खुद चेक करेंगे तो आपको अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।